क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 2C है और पोटेंशियल 2V है, एक और कैपेसिटर है C जिसका पोटेंशियल है V, स्विच लगा हुआ है, रेजिस्टर R कनेक्टेड है। कोई AC का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि AC का सिंबल ही नहीं है। क्वेश्चन है कि जब मैंने स्विच को क्लोज किया तो इनिशियल करंट कितना है सर्किट में, ये बताओ। क्लोज करते ही करंट कितना है, तो तुम इसमें किरचॉफ लॉ लगा दो। तो किरचॉफ लॉ से मान लो करंट यहाँ से यहाँ गया, माइनस से प्लस किया तो प्लस 2V, फिर करंट R के साथ गया माइनस आया, प्लस से माइनस गया माइनस V, इक्वल टू जीरो, करंट निकाल लेना आंसर। ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर का क्वेश्चन ज़्यादा है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन में, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब बहुत देर के बाद इनके पोटेंशियल्स क्या होंगे दोनों कैपेसिटर्स के। दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैट्स की प्रॉब्लम है, बहुत देर के बाद चार्ज शेयर हो जाएगा और कॉमन पोटेंशियल अटेन हो जाएगा। और कॉमन पोटेंशियल क्या है, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। सेकेंड आंसर आ गया 5.3 इंटू V। सेकेंड, नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट व्हेन स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन्ड। तो शुरू में आपने ऑन किया, फिर स्टेडी स्टेट हो गया, जब स्टेडी स्टेट हुआ दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो आपको क्या बताना है, लॉस ऑफ एनर्जी। हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में की थी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या थी, इनिशियली एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी निकाल लो पहले, हाफ सी वी स्क्वायर जब इनको कनेक्ट नहीं किया था, जब कनेक्ट कर दिया और इन्होंने कॉमन पोटेंशियल ले लिया, कॉमन पोटेंशियल में कैपेसिटर आर सपोज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 और कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, इन्हें माइनस करके जो आंसर आएगा वो लॉस इन एनर्जी का आंसर है। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन चल रहा है, इसमें AC का कोई काम नहीं अभी तक। नेक्स्ट है, अब AC का काम है, AC भी नहीं, ट्रांजिएंट करंट का काम है, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये बताओ, करंट इन द सर्किट तो ठीक है, करंट जब आप देखो स्टेडी स्टेट के ऊपर बहुत देर के बाद करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर DC करंट को पास होने नहीं देता, लेकिन जब तक स्टेडी स्टेट नहीं है तब तक करंट बढ़ रहा होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बुकलेट में एक पेज पर लिख के दिया था कैपेसिटर का करंट कैसे बढ़ता है। कैपेसिटर का करंट ऐसे बढ़ता है चार्जिंग के टाइम, I0 इंटू e^-t/tau, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोल्यूशन के अंदर यह समझ में नहीं आता कहाँ से आ गया। तो कैपेसिटर के अंदर करंट ऐसे बढ़ता है, और I0 का मतलब यहाँ पर V/R है, ऊपर चलते हैं, I0 का मतलब V/R है। तो इसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है आपने, और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है RC सर्किट में, RC, अब R तो एक ही है, पर C के अंदर ये दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, स्टेडी स्टेट में वो पैरेलल हैं। अभी स्टेडी स्टेट रीच नहीं हुई, तो जब तक ये स्टेडी स्टेट रीच नहीं करेगा तब तक ये सीरीज है, तो इसलिए टाइम कांस्टेंट में यहाँ पे सीरीज पुट करके आंसर आएगा, है ना ट्रिक। अगर स्टेडी स्टेट हो जाता है, कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, तो पैरेलल है, और लेकिन अगर नहीं होता तो सीरीज है, तो टाइम कांस्टेंट सीरीज में निकलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ तक ट्रिकी पार्ट है इसका, ये काफी ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट्स ड्यूरिंग दी ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट क्या होगा। अच्छा, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है RL सर्किट का, L/R होता है। दो केस हैं, पहले ग्रोथ ऑफ करंट पे आ जाओ। ये ग्रोथ का ये डायग्राम है, आपको कि ग्रोथ का ये डायग्राम है, ये R कहाँ गया। जब इंडक्टर में करंट ग्रो कर रहा होगा तो वो करंट किस में से पास होके आएगा, 2R में से। आपको कि सर इसका करंट इंडक्टर में एंट्री नहीं कर रहा, तो इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई वो करंट लेंगे जो इंडक्टर में एंटर कर रहा है। अब एंट्री तो 2R के थ्रू हो रही है, बाहर से जाने वाला करंट तो बाहर बैटरी लेगी, इंडक्टर में तो गया ही नहीं। तो इसलिए जब ग्रोथ ऑफ करंट आ रहा है तो L के साथ सिर्फ 2R यूज़ होगा,
तो टाइम कांस्टेंट क्या बनेगा, एल बाय टू आर। लेकिन जब डीके ऑफ करंट है, डीके का मतलब बैटरी हटा दो, बैटरी हटा दी, अब इंडक्टर अपना करंट किसको देगा, 2R के साथ R को भी देगा, क्योंकि उसका करंट R में भी जाएगा, तो अभी R को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब R और 2R किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो टाइम कांस्टेंट क्या बनेगा, L बाय 3R। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चार्जिंग, जब हम ग्रोथ करते हैं तो L के साथ जो पड़ोस में रजिस्टर है सिर्फ उसको लेते हैं, और जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं मतलब जब हम डिके करते हैं तो फिर सारी रेजिस्टेंस जहाँ जहाँ करंट जाता है इंडक्टर का सबको लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है? नेक्स्ट, कि मैं खुद ही बाबा करके घर जा रहा हूँ, क्या हाँ हाँ तो कमाल हो गई यार, क्या कॉन्सेप्ट सीख लिया। पता लगे यार समझ में नहीं आ रहा वो कह रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ध्यान से समझ लो। जो आपको ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पहले इस बात को समझ लो, और ये 2 एम्पियर करंट है और ये लिखा हुआ है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है इंडक्टर अब कुछ भी ऑफर नहीं करेगा रेजिस्टेंस, करंट कांस्टेंट हो चुका है, इंडक्टर एक्सएल वगैरह कुछ ऑफर करेगा नहीं, तो क्या मैं उसे हटा दूं, कोई रोल नहीं है? नहीं, हटा नहीं सकते हम। ये बोलेंगे कि अगर 2 एम्पियर का करंट यहां आया, अब करंट को फैसला करना है कि मैं इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं, इंडक्टर कहता है देख मैं तेरे को कुछ ऑफर ही नहीं करूंगा, तो सारा करंट यहीं से बाईपास हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, 2 ओम उड़ गया। क्या सही है ना, देखो ना उसने कुछ ऑफर तो करना नहीं, सारा करंट वो रास्ता फॉलो करेगा जहां उसको रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट कर गया, 2 ओम को उड़ाना पड़ गया। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझ में आया क्या हुआ इसमें, क्लियर है? स्टेडी स्टेट में करंट कांस्टेंट है, जब करंट कांस्टेंट है तो ये कुछ भी ऑफर नहीं करेगा, ये तो 2 ओम फिर भी ऑफर कर रहा है, तो सारा 2 एम्पियर करंट यहाँ से होता हुआ यहाँ आ गया, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन, और इंडक्टर का तो कोई रोल है ही नहीं स्टेडी स्टेट में, तो ये 2 ओम है, तो आपका डायग्राम आसान हो गया। 6 रख लो, ये हटा दो, ये हटा दो, 2 रख लो, 4 रख लो, 3 रख लो, और ये डायग्राम इजी हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, इसके साथ इन पैरेलल में 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 एम्पियर क्या हो गया, 4, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगी, 6 6 × 4, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 24, आंसर 24 आंसर, तो नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गई बाद में। इंडक्टर कैसे उड़े समझ में आया, स्टेडी स्टेट में उड़े भी नहीं, उल्टा आर को उड़ा गया, खुद तो उड़ा नहीं आर को उड़ा गया। लो फिर की वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ये बहुत तंग करते हैं लोगों को, इसलिए मैंने
चमके की वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं इसमें, जितने हो सकते हैं सारे डाल रखे हैं, डीसी पांडे के डाल रखे हैं, डी मुखर्जी की जबरदस्त बुक है वो डाल रखी है इसमें, और अरिहंत की बुक मेरे ख्याल से होगी वो भी डाल रखी है, और भी पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन वो भी डाल रखे हैं। मतलब मेरे को जो की वाले क्वेश्चन मिले ना मोस्टली मैंने इसमें डाल दिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पी वाई की हो जाने चाहिए इससे, और ये ख़त्म नहीं होंगे अभी एंड तक, हर क्वेश्चन में की लगी हुई है। तो क्या क्वेश्चन है, अगर की को क्लोज कर दें एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, चलो जी की को क्लोज करें, ये क्लोज कर दें, बंद कर रहा हूं मैं इसे, इफ आई इज इक्वल टू आई वन एट टी इज इक्वल टू जीरो एंड आई इज इक्वल टू आई टू एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये करंट आई वन आई टू दे कौन रहा है, बैटरी, बैटरी में से आई वन करंट आया टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, बैटरी में से I2 करंट आया एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब स्टडी स्टेट, बहुत देर के बाद, स्टडी स्टेट को बोलते हैं इन्फिनिटी। तो रेशियो बताओ I1 I2 की क्या होगी, क्वेश्चन का डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, सबसे तंग मुझे दो बैटरीज कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ, दो की जगह एक बैटरी लगाओ, तो बैटरी वी एंड वी है, ये आर है और ये इसकी रेजिस्टेंस नहीं है, तो दो बैटरीज की जगह जब एक बैटरी लगानी होती है तो क्या फॉर्मूला है, ई वन आर टू ई टू आर वन आर वन प्लस आर टू, जब पुट करेंगे तो आंसर वापस से वी आएगा, तो दो बैटरी की जगह जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वी आएगा, और क्योंकि दो बैटरीज पैरेलल में आर और ज़ीरो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगी, आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू पैरेलल में, लेकिन एक रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो आंसर क्या आएगा, तो दो बैटरी की नेट वोल्टेज तो वी आ गई, दो बैटरी की नेट रेजिस्टेंस जीरो आ गई, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो एक काम करते हैं इसको तो हटा ही देते हैं, इसको भी हटा देते हैं तो उड़ी जाएगा, तो आपके पास बस ये बच गया। अब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो करते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या हुआ, जैसे इसे क्लिक किया करंट यहां पर आया, उसने कहा इंडक्टर के अंदर मैं तेरे अंदर पास होना चाहता हूं, इंडक्टर कहते हैं देख मैं तेरे को करंट पास नहीं होने दूंगा, क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर प्योर इंसुलेटर काम करता है और बहुत झगड़ा करता है और करंट को पास नहीं होने देता। मैंने लास्ट टाइम आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, कैपेसिटर प्योर कंडक्टर की तरह काम करता है, सारे करंट को पास होने देता है और इंडक्टर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे बिल्कुल भी करंट को पास नहीं होने देता। तो इसने मना कर दिया मैं झगड़ा करूंगा मैं नहीं पास होने दूंगा, तो सारा करंट कहां से पास हो गया, आर में से। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, वी डिवाइडेड बाय टू आर, तो देखो इनिशियल करंट क्या आ गया, V बाई टू आर। समझ में आई यहां तक बात कि क्या हुआ इसके अंदर। अब दूसरा केस है, दूसरे केस में टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बहुत देर के बाद करंट कांस्टेंट हो गया, इंडक्टर ने कहा अब मेरा कोई रोल नहीं है, अब जब करंट आएगा सारा का सारा करंट यहां से पास हो जाएगा, फिर से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, अब करंट क्या आएगा, वी बाय सिर्फ आर, वी बाय आर। तो डिवाइड करके रेशियो निकाल लेना करंट की। पॉइंट समझ में आया कि क्या ट्रिक्स लगे हुए हैं अंदर, इंडक्टर के ऊपर, बैटरी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक। नेक्स्ट
ये आपके पास एक बैटरी है, रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ये रहा। तो इसको पहले ए के साथ जोड़ दिया, बैटरी ने बहुत देर तक जोड़ के रखा, स्टेडी स्टेट हो गया। इंडक्टर कहता है मेरा कोई रोल ही नहीं है, मेरे अंदर कॉन्स्टेंट करंट जा रहा है, मैक्सिमम करंट आई नॉट जा रहा है, बात ही खत्म। और करंट की वैल्यू क्या होगी? ई बाई आर, क्योंकि इंडक्टर अंदर कुछ करना है नहीं स्टेडी स्टेट पे, तो ई बाई आर इसमें करंट दौड़ रहा है। और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो चुकी है हाफ एल आई स्क्वायर, और आई की जगह क्या पुट कर दिया? ई बाई आर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैग्नेटिक एनर्जी है। फिर तुमने यहाँ से कनेक्ट डिसकनेक्ट करके बी के साथ जोड़ दिया, जब बी के साथ जोड़ा इसमें करंट आया, इसे मूव करना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी बताओ। जो इंडक्टर की सारी एनर्जी थी वो करंट की फॉर्म में इसको दे दी, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, एफ इज इक्वल टू बी आई एल लगा, रॉड ने दौड़ना शुरू कर दिया और काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली। जो एनर्जी सारी स्टोर थी इंडक्टर में वो काइनेटिक की फॉर्म में बाहर आनी स्टार्ट हो जाएगी, इक्वेट विद काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी आंसर। तो पहले तुम इंडक्टर की एनर्जी भरो हाफ एल आई स्क्वायर, और आई की जगह ई बाई आर स्टेडी स्टेट पे जहां इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, और फिर वो काइनेटिक में कन्वर्ट करके वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है यहां तक? पहले ही ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, स्टेडी स्टेट हो गया, इसका कोई रोल तो है नहीं, करंट क्या है? ई बाई आर। इंडक्टर की एनर्जी क्या है? हाफ एल आई स्क्वायर। आई की जगह ई बाई आर। तो उसके बाद इसको तोड़ दिया, बैटरी से हटा दी, बी के साथ जोड़ दिया, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, अब सारा करंट इसमें से जाएगा तो काइनेटिक एक्वायर करवा देगा। एल सी सर्किट है, जब भी एल और सी कनेक्टेड हो ना और कुछ बैटरी वूटरी ना हो, एल सी ऑसिलेशन होने वाली है, एनर्जी एल में और सी में घूमने वाली है। तो इसके अंदर एल सी कैपेसिटर है द मैक्सिमम चार्ज, लो अब करेगा क्या? कैपेसिटर चार्ज रखे किसको देगा? इंडक्टर को। इंडक्टर कैपेसिटर को आपको क्या निकालना है? डी आई बाई डी टी। अब यहाँ देख लो, याद करो हमने एल सी ऑसिलेशन का मैथमेटिकल पोर्शन किया था, मैंने आपको लूज शीट प्रिंट आउट करके दी थी और कहा था कि चार्ज कैपेसिटर में पीरियोडिकली चेंज होता है, ये री वैल्यू। चार्ज आ गया, करंट क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी, ये रहा करंट आ गया। उसने क्या पूछा? डी आई बाई डी टी। एक बार करंट निकाल के फिर डिफ्रेंशिएट करो डी आई बाई डी टी, उसको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आ गई। और एल सी ऑसिलेशन में ओमेगा क्या होता है? 1/√LC, तो इसकी जगह एल सी आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चार्ज से करंट, करंट से रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से मैक्सिमम करंट। ये मैथ वाले लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, मेडिकल के तो डाउट है मुझे, शायद आए ना आए। मैथ वालों को समझ में आ रहा है कैलकुलस डिफरेंशिएशन? नेक्स्ट, टफ लगता है ये मेडिकल वालों को चैप्टर थोड़ा सा, लेकिन उनके नीट में इतना मुश्किल आता नहीं है, इसके ईजी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर और नीट की बुक उठाएं, बिल्कुल सिंपल एनसीईआरटी लेवल जो हमने किया था वैसा ही आता है, तो आप प्लीज वो ट्राई करें। फिगर शोज थ्री सर्किट्स, ये तीन सर्किट हैं। रैंक द सर्किट अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो आप इसमें ऑन करेंगे बैटरी, सबसे ज़्यादा करंट किस में, फिर कम किस में, कम किस में, ये बताना है। चलो शुरू करते हैं।
जैसे ही मैंने बैटरी को ऑन किया, इंडक्टर कहता है देखो ऐसा है मैं करंट को पास नहीं होने दूंगा, चलो जी करंट जीरो। मैं तो झगड़ा कर बैठेगा, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर पास होने देगा करंट को। अब जब इसे ऑन करेंगे इंडक्टर कहेगा मैं नहीं पास होने दूंगा, तो करंट कहते हैं कोई बात नहीं मत होने दे मैं यहाँ से आ जाऊँगा। तो यहाँ पे करंट क्या आएगा, आई टू इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सिर्फ आर आर बस। जब इसको ऑन करेंगे इंडक्टर कहेगा मैं नहीं पास होने दूंगा, तो करंट कहते कोई बात नहीं मैं यहाँ से पास हो जाऊँगा, तो आंसर क्या आएगा ई डिवाइडेड बाई टू आर। तो इसमें करंट की वैल्यू क्या है, जीरो। अब चेक कर लो, ये सबसे बड़ा करंट है, ये उससे छोटा करंट है, इसमें तो है ही नहीं आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, इंडक्टर को क्रॉस कर दो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर करंट को पास नहीं होने देगा, उस लाइन को ब्लॉक बंद कर दो, बाकियों से करंट पास कर दो। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, सही। नेक्स्ट, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द इंडक्टर इज गिवन। एलसी पैरेलल में है, इंडक्टर का करंट पता है, कैपेसिटर का करंट पता है, नेट करंट बताना है। तो इंडक्टर कैपेसिटर का माइनस कर लेना बताया था आज हमने, फेजर से करना है। नेक्स्ट, हैवी असाइनमेंट्स हैं आज, हैवी क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक लग रहा है, रिवाइज करनी पड़ेगी आपको ऐसे जाके, ऐसे मत करना, रिवाइज करके सारा देख के फिर पी वाई क्यू पे जाना, सीधा मत जाना, रिटेन नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। मतलब जितनी स्मूथली मैं अभी कर रहा हूँ उतनी स्मूथली फर्स्ट बैच में नहीं कर रहा था, मुझे सोचना पड़ रहा था। सी के सारे किसमें कनेक्टेड हैं, इन पैरेलल। आपको गिवन है एक्स एल की वैल्यू कितनी है आर, एक्स सी बाई टू की वैल्यू कितनी है आर, यानी कि एक्स सी की वैल्यू कितनी है टू आर, एक्स एल की वैल्यू कितनी है आर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पीक करंट क्या होगा ये क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसा किया, पहले मैंने इम्पिडेंस निकाली, इम्पिडेंस में एक्स सी को पुट किया टू आर, एक्स एल को पुट किया आर, इम्पिडेंस आ गई। फिर पीक करंट क्या होगा, पीक वोल्टेज बाय जेड, आंसर आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या लॉजिक है इसका। पैरेलल है ना, पैरेलल में इम्पीडेंस का फॉर्मूला तो लगना ही लगना है, और हमें हिंट के तौर पे एक्स सी टू आर गिवन है और एक्स एल की वैल्यू आर गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करके जेड निकाल के वी नॉट बाय जेड में आई नॉट की वैल्यू आएगी। ठीक है यहाँ तक, लो फिर स्विच वाला क्वेश्चन आ गया। मेडिकल के लिए नो, नॉन मेडिकल के लिए भी नो ही है। आप लेवल देखो कर इसका क्या है, क्वेश्चन का क्वेश्चन है, नहीं आएगा ये, आ गया यार हो ही नहीं, होएगा ही नहीं तुमसे सवाल, लंबा ही बहुत है। देखो अगर मान लो ये एल है आर है और यहाँ ये सी और आर है, लेफ्ट साइड पे बना दिया एल आर सर्किट, राइट साइड पे बना दिया आर सी सर्किट, बीच में की लगा दी, कह रहे मैंने की को ऑन कर दिया, स्टेडी स्टेट नहीं आई, स्टेडी स्टेट में तो कैपेसिटर करंट को पास होने नहीं देगा। कह रहा है ये बताओ टाइम t इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस सी नेचुरल लॉग ऑफ 2 पे यहां करंट क्या होगा। अब देखो इस तरफ क्या लगेगा, ग्रोथ ऑफ करंट का टॉपिक, ये रहा ग्रोथ, i इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। और इस तरफ क्या लगेगा, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में करंट का फॉर्मूला आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी।
फिर टोटल करंट दोनों को ऐड करके आंसर। तो करते रहना मैथ सॉल्व अपना, मैं तो रिकमेंड नहीं करता, आपने करना है घर जाके कर लेना, मुश्किल है थोड़ा सा, दोनों कॉम्बिनेशन का टोटल करंट टेस्ट आने का चांस मुश्किल है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे आएगी यार, हो नहीं पाएगी। ये आएगा मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, क्वेश्चन है ये एक रॉड है, रॉड को मूव करवाने हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मोशनल ईएमएफ डेवलप होगी बीएलवी, कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, लेंथ 1 मीटर है, वेलोसिटी 2 है, 2 की वेलोसिटी से मूवमेंट हो रही है, तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी आएगी, बीएलवी से 8 वोल्ट आ गई। ये 8 वोल्ट इसको इसको और इसको बराबर मिलेगा क्योंकि सब पैरेलल में कनेक्टेड है, इसमें करंट डेवलप हो गया I3, I2 और I1। AC नहीं है, AC का क्वेश्चन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है 8 वोल्ट। कह रहे इंडक्टर में करंट कितना डेवलप हुआ ये बताओ, इंडक्टर को वोल्टेज कितनी मिली 8 वोल्ट, तो इंडक्टर में वोल्टेज 8 इज LdIdt, तो यहाँ से DiDt की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर पर सेकेंड। क्वेश्चन है 2 सेकेंड पे करंट बताओ कितना है, ये देखो क्वेश्चन है करंट कब बताना है, एट टाइम टू सेकेंड। तो DiDt 1 सेकेंड में 2 एम्पियर करंट है, तो 2 सेकेंड में कितना करंट है, 4 एम्पियर करंट है आंसर। जब तुम्हें DiDt पता लग गया तो टाइम को 2 पुट करके आंसर आ गया 4, सही। 8 इज LdIdt, DiDt आ गया, ये कांस्टेंट है, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट आ गया। फिर वो कह रहे हैं फोर्स बताओ कितनी चाहिए ताकि रॉड मूव करती जाए विद अ वेलोसिटी ऑफ 2। अब फोर्स का फॉर्मूला तो एक ही है BIL, इसके लिए आपको टोटल करंट निकालना पड़ेगा इसमें, और ये जो टोटल करंट है वो इन तीनों करंट के बराबर है, इसका करंट 0 है क्योंकि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर करंट को पास नहीं होने देता, इसका करंट हम निकाल चुके हैं 4, इसका करंट क्या होगा, रेजिस्टर का करंट है इसमें E/R 8/2 4 एम्पियर ओम लॉ, तो अब टोटल करंट क्या आएगा 4+4 8 एम्पियर रॉड के अंदर। अब BIL में पुट कर लेना 4 32 न्यूटन की टोटल फोर्स है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, इंडक्टर में करंट कैसे निकलेगा LdIdt, रेजिस्टर में कैसे निकलेगा V=IR, कैपेसिटर में निकलेगा ही नहीं, और फोर्स निकलेगी BIL I टोटल करंट है। इसी के अंदर टाइम 2 सेकेंड पे P इज द टोटल पावर जनरेटेड बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स पिछले पार्ट में कितनी है 32 न्यूटन, तो 32 न्यूटन ने P पावर जनरेट की, P1 इज द पावर स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड P2 इन रेजिस्टेंस, तो वैल्यूज बताओ इनकी क्या है, रॉड जब मूव करवा रहे हो तो फोर्स कितनी लगा रहे हो 32, वेलोसिटी 2 है तो P की वैल्यू आ गई 64। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर क्या है, ½ Li² per second, तो ये इंडक्टर की एनर्जी आ गई P1, और रेजिस्टर में पावर का फॉर्मूला I² R आंसर, और करंट तुम्हें पता ही है इंडक्टर रेजिस्टर में क्या है, तो सारे पार्ट्स आपने रिलेटेड है, समझ में आ रहा है कि कैसे पावर निकल रही है और करंट निकल रहे हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ई पता है, एल पता है, आर वन पता है, आर टू पता है, सब कुछ पता है। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे मैच दी फॉलोइंग। टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा, तो इसका करंट आर वन क्या हो जाएगा, जीरो। आर वन का करंट हो गया जीरो। आर टू में क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर टू, ई पता है, आर टू पता है, 3 एम्पियर करंट आ गया। तो बस, और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे इंडक्टर तो कुछ करेगा नहीं। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हो जाएंगे, इन पैरेलल, तो करंट हर ब्रांच में आ जाएगा, निकाल लेना। फिर तो नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, इन्फिनिटी के ऊपर इंडक्टर लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं, अकेले रेजिस्टर रह जाएंगे, इनमें करंट निकाल लेना। टी इज इक्वल टू जीरो पे ये पास नहीं होने देगा, बात खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में, हाँ 15 में, हाँ क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वोल्टेज तो 8 ही है, वोल्टेज तो बढ़ नहीं रही, तो कैपेसिटर कहाँ से, फिर जो चार्ज होना था हो गया, या तो वी बढ़ाओ तब तो है भी, स्टडी स्टेट ही हो गया। आंसर नॉन मेडिकल के लिए है, मेडिकल के लिए नहीं है। तो इसमें इंडक्टर है, देखो जिसमें क्वेश्चन ई की पावर समथिंग है, मेडिकल के नहीं है वो सारे। तो क्वेश्चन है आर वन पता है, एल पता है, आर टू पता है, ई पता है, स्विच पता है, स्विच को क्लोज कर दिया। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पहले तुम ये बताओ एल में करंट क्या होगा, एल में करंट क्या होगा, करंट बढ़ेगा, करंट ग्रोथ ऑफ करंट में ये करंट है। इंपॉर्टेंट सुनो क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट है टाइम कॉन्स्टेंट, जब ग्रोथ हो रही होगी तो टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा, एल बाय सिर्फ आर टू, ये नहीं यूज होगा, डीके में यूज होगा, ग्रोथ में यूज नहीं होगा, तो एल बाय आर टू। अब यहां पुट करके करंट आएगा, करंट आ गया, ई क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, मैथ्स के लोग पता है, इस करंट को यहां पुट करके डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ की वैल्यू निकालने के आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लॉजिक लगेगा इसमें।